So hey guys, what's up? Welcome back to the channel and welcome back to a new vlog. सर जैसे अभी टाइम हो रहा है 3:12 इन दी आफ्टरनून. मैंने अपना बनाना शेक रेडी कर लिया था जो कि मेरे को शाम के वर्कआउट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. इसे मैंने आज काफ़ी कुछ डाला है, मतलब ऐसा लगा कि जो मेरे को मिला मैंने सब कुछ उठा के इसमें डाल दिया, सिर्फ हेल्दी चीज़ें डाली. तो मैं आप लोगों को फिनिश करने के बाद मिलता हूँ. गाइस बहुत दिनों से मैं ये सब वीडियोस देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत, मतलब जब मैं छोटा था ना मैं तब से ये सब देखता आ रहा हूँ और इतना मन करता है ये सब सीखने का. एक बारी इसके चक्कर में मेरे दोनों पैर ही फ्रैक्चर हो चुके हैं. इसकी स्टोरी अगर आपको नहीं पता मैं कभी आराम से बताऊंगा. आई रियली विश यार मैं कभी ये सब सीख पाऊँ और अच्छे से कर पाऊँ. मतलब मुझे एटलीस्ट ये 20-25 किक्स मास्टर करनी है. मैं कह रहा हूँ चलो 20-25 भी ना हो, एटलीस्ट 10 से 12 किक्स मेरे को मास्टर करनी है. मतलब बहुत ज्यादा मन है मेरा. तो नन्नू को मैं 3 बजे ट्यूशन छोड़ के आ गया था, मुझे उसे 4:30 जाके पिक करना है. अभी इस टाइम अराउंड 4 बजे उसके बाद सुबह जल्दी उठना इम्पॉसिबल सा हो जाता है. मैं पूरी ट्राई करता हूँ. आज मैं सुबह 7 बजे उठ गया था जबकि मैं कल रात अराउंड 1:30 बजे सोया था. बट यार मैं सीरियसली ट्राई करूंगा कि एक भी दिन का न्यूज़पेपर मिस ना करूं, क्योंकि मेरे को बड़ा रिग्रेट सा फील होता है कि मैंने, क्योंकि हमारे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता था, हमारे यहाँ कोई नहीं पढ़ता था, क्योंकि और कोई पढ़ता भी नहीं था, तो हमने मंगाना बंद कर दिया था. फिर मैंने बोल के स्पेशली मंगाया, मैंने कहा मुझे टाइम्स ऑफ मीडिया मंगा के तो मुझे पढ़ना है. अब जब आ गया है तो मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा, समाओ मैं पढ़ नहीं पा रहा. एंड जिस टाइम मैं फ्री होता हूँ उस टाइम ऐसा लगता है यार मुझे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है. चलो जो भी है, बट अब से आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ूं. एंड आई गेस ये वाली आदत आप लोगों को भी डालनी चाहिए, क्योंकि बहुत नॉलेज बढ़ती है. आप अपडेट रहते हो कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा. अगर आप 4 लोगों के बीच बैठे हो तो आप कुछ बोल सकते हो कि हाँ ये चीज मेरे को पता है. अगर आप कुछ नहीं पता होता तो बिना नॉलेज किसी से क्या बात करोगे. एंड ये वाले थॉट्स मेरे नहीं है, ये मेरे को पापा ने समझाए, मैं आपको समझा रहा हूँ. So it's 5:20 in the morning. I woke up around 20 minutes pehle, exactly 5 o'clock mein uth gaya tha. And the reason I woke up so early ki main kal raat bahut zyada jaldi so gaya tha, kyunki kal I don't know my mind wasn't working. Matlab kal mere ko bhi samajh nahi aaya ki exactly mere sath hua kya. Main shanti se kal ghar aaya, kal jab main raat ko gym se ghar aaya, fir main 2 minute Harshigarh chala gaya dost se milne ke liye. जब मैं घर आया उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा, सर इतना भारी हो गया. मतलब ऐसा लगा कि बस मैं लेट जाऊँ. मैं जाके अपने बेड पे लेटा, कल रात मैंने खाना भी नहीं खाया था, मैं शांति से जाके लेट गया. मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू गाइस एग्जैक्टली हुआ क्या. मेरा बस मन किया कि मैं शांति से जाके लेट जाऊँ. कल का मेरा दिन जेन्युइनली बताऊँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया. सुबह से लेकर शाम तक का बता रहा हूँ, मे बी पॉसिबल मेरी नींद अच्छी नहीं हो रही हो. एंड इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. आई थिंक द रीजन इज कि मैं रात को लेट सो के जल्दी उठ रहा हूँ या मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, ये इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है. एंड कल मैंने लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस लिया. कल मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा खतरनाक था. कल मैं इस पर ट्रैक कर रहा था, बहुत ज़्यादा था. आई डोंट नो क्यों हो रहा था ये. इसीलिए कल मैंने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, मैं शांति से घर आया और बस सो गया. मैं सोया भी कल बड़ी मुश्किल से, मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने मन बना लिया कि मेरे को सोना है, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि शायद ये मेरी स्लीप साइकिल है जो मेरा दिमाग खराब कर रही है. उसके बाद आई सिंपली वेंट फॉर द मेडिटेशन. एंड गाइस 15 से 20 मिनट के लिए आई डिड दैट एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ बहुत बेटर फील होता है इससे. एंड आई विल ट्राई कि मैं इसको रोज कर सकूँ, बिकॉज काफी हेल्प करेगा ये मेरे को मेरा डे इम्प्रूव करने में. एंड जिन लोग कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है वो लोग भी मेरी तरह ये चीज ट्राई कर सकते हैं. आई ट्राइड, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा होता है. सो द मेन रीजन आई एम शेयरिंग दिस विद यू गाइस कि आप लोग भी ऐसा कर सको इन केस आप लोग को ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो ज्यादा सर दर्द, मतलब कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों का दिन अच्छा नहीं जाता. बाकी जेन्युइनली बताऊं मेरे को कोई शौक नहीं है आके प्रॉब्लम्स कैमरे पे बोलने का, बट द पॉइंट इज कि ये चीज इतनी अच्छी हुई कि मेरा दिन ऐसा गया. बट उसके बाद आई मेडिटेटेड फॉर सम टाइम, एक फोकस लिया अपने माइंड पे, उसके बाद सोचा
कि एक्चुअली प्रॉब्लम थी क्या. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली 15 से 20 मिनट मेडिटेशन को दिए, 10 मिनट मैंने दिए सोचने में कि कल मैंने क्या क्या किया. एंड नाउ द रिजल्ट इज कि मैंने कल अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया. बट अब मेरे को मालूम पड़ गया कि मेरे को आज के दिन में क्या नहीं करना है. बाय द वे हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल. आज रक्षाबंधन है तो पूरा दिन तो ऐसे ही बिजी जाएगा कि बुआ के घर जाना है, फिर दीदी के घर जाना है. एंड गाइस जो भी मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो एक बात अच्छे से समझ लो कि हमेशा अपनी बहनों का ध्यान रखो. आपकी बहन सिर्फ वो नहीं है जो आपके साथ रहती है या आपकी कोई कजन नहीं है. आपकी बहन इंडिया की हर एक, इंडिया के अलावा पूरी दुनिया की हर एक लड़की है. अब ऑब्वियसली वो एक ऐसी होगी जो आपकी बहन नहीं होगी, जो आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड होगी. बट एंड अगर आप लोग मेरे को थोड़ा सा भी मान दो तो आप लोग मेरी एक बात समझ लो कि प्लीज रिस्पेक्ट ऑल योर सिस्टर्स ऑफ द नेशन या ऑल द वर्ल्ड. तो बस इसी तरह हम लोग मनाएंगे आज का अपना रक्षाबंधन. एंड इसी नोट पे बंद कर देते हैं आज का वीडियो. गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नए हो तो बेल आइकन जरूर दबा देना वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगी. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस, हैप्पी रक्षाबंधन.